इंडस्ट्री के सबसे क्यूट कपल रितेश देशमुख और जेनेलिया डिसूजा आज अपनी फिल्म वेट के ट्रेलर लॉन्च के मौके पर साथ नजर आए। इस मौके पर दोनों के बीच की बॉन्डिंग साफ नजर आ रही थी। ट्रेलर लॉन्च के मौके पर जेनेलिया डिसूजा येलो कलर की साड़ी पहने, बालों में गजरा लगाए और झुमके पहने बेहद खूबसूरत लग रही थी, तो वहीं रितेश वेट की टी शर्ट पहने और स्काई ब्लू कलर का कोट पहने काफ़ी हैंडसम लग रहे थे। ट्रेलर लॉन्च के मौके पर रितेश जेनेलिया की तारीफ करते हुए भी नजर आए। वो उन्हें कहते हैं काफी सुंदर लग रही है। सर आपका सोलो। सर आपको बता दें, फिल्म वेट के जरिए रितेश देशमुख अपना डायरेक्शन डेब्यू कर रहे हैं। इस फिल्म को रितेश देशमुख ने ही डायरेक्ट किया है, तो वहीं वेट के जरिए जेनेलिया डिसूजा भी मराठी फिल्म इंडस्ट्री में अपना डेब्यू कर रही है। एक लंबे समय बाद रितेश और जेनेलिया को एक फिल्म में साथ देखकर उनके फैंस काफी एक्साइटेड हैं, क्योंकि दोनों को आखिरी बार फिल्म तेरे नाल लव हो गया में साथ देखा गया था। उसके बाद जेनेलिया ने तो लंबे समय से बड़े पर्दे से दूरियां बनाई हुई थी। वेट के जरिए जेनेलिया मराठी सिनेमा में डेब्यू कर रही है और निर्देशक के तौर पर रितेश की भी अब पहली फिल्म होगी। इस बारे में जेनेलिया का कहना है कि उनका जन्म महाराष्ट्र में हुआ था और एक्टिंग शुरू करने के बाद उन्होंने हिंदी, तमिल, तेलुगु और अलग अलग भाषाओं में फिल्में की है, जहाँ उन्हें दर्शकों का काफ़ी प्यार मिला है। और फिल्म वेट के जरिए वो मराठी सिनेमा में अपनी शुरुआत कर रही है और रितेश के निर्देशन वाली फिल्म से ही वो वापसी कर रही है। जेनेलिया का कहना है कि मुझे यकीन है कि आप मुझे मराठी में भी उतना ही प्यार करेंगी। जेनेलिया रितेश की इस फिल्म में सलमान खान भी कैमियो करते हुए नजर आएंगे और ये फिल्म 30 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। जेनेलिया और रितेश की क्यूट सी केमिस्ट्री कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और भी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें गजब खबरें।